अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां हनुमानगढ़ी रामघाट स्थित चरण पादुका मंदिर के संत तेजपाल दास ने जान से मारने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पर शिकायती पत्र सौंपा है। संत तेजपाल दास ने बताया कि हमारे गुरु पुरुषोत्तम दास की उम्र लगभग 96 वर्ष हो चुकी है, जिनकी सेवा मैं कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि चरण पादुका पिछले 5 पीढ़ियों से हनुमानगढ़ी के तत्कालीन गद्दीन सीन दीन बंधु दास द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से पुरुषोत्तम दास के काका गुरु महावीर दास को दे दिया गया था। तब से अभी तक मंदिर पर हमारे गुरुजी और हमारा कब्जा है। हमारे गुरुजी उक्त स्थान पर बाउंड्री बनवाकर शांति पूर्वक रहकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन गत 13 नवंबर को लगभग 3 बजे मुझे संत रामदास ने अपने आवास पर पट्टी की पंचायत के बहाने बुलवाया और कहा कि उक्त जमीन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सीधा बंद कर दिया जाएगा। उस समय उनके आवास पर पट्टी के कई और भी साधु संत उपस्थित थे। जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो मुझे संत रामदास एवं नंद रामदास ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुमको और तुम्हारे गुरुजी को जान से मार दूंगा। इसलिए मैं और मेरे गुरु दोनों में भय व्याप्त है, क्योंकि मंदिर की जमीन कब्जा करने के संबंध में 1.5 वर्ष पहले एक संत की हत्या कर दी गई थी और वही घटना भविष्य में हमारी साथ भी हो सकती है। इसी मामले को लेकर आज पुलिस लाइन में एसएसपी प्रशांत वर्मा से मिलकर उक्त घटना का शिकायती पत्र देने आए थे, परंतु उनकी अनुपस्थिति में सीओ राजेश तिवारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप अयोध्या कोतवाली जाकर तहरीर कीजिए, मामले की जांच करते हैं, आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, हमारा मैटर है कि हम हनुमानगढ़ी अयोध्या चरण पादुका हमारा आश्रम है। हमारे आश्रम कम से कम 5 पीढ़ियों से हमारे महाराज जी वहाँ पे रह रहे हैं। 1989 में वो आश्रम तत्कालीन गद्दी नसीन जी ने हमारे महाराज श्री को लिख कर दिया था, तब से हम लोग रह रहे हैं। महंत संत रामदास जो उज्जैनिया पट्टी के महंत हैं और उनके शिष्य नंदराम दास, ये दोनों लोगों ने हमको 13 तारीख को शाम को 2 बजे अपने आवास पर बुलाया, कहा कि आज पंचायत है, आप आइए। हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अपना आश्रम हम लोगों को दे दो। हमने कहा हम अपना आश्रम नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा शेर सीधा बंद कर देंगे और तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, और बहुत अपशब्द गालियाँ दी और अपने यहाँ भगा दिया और कहा कि अब तुम जीवित नहीं बचोगे, यहाँ रह नहीं सकते हो तुम। तब से हम बहुत डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि आज के 1.5 वर्ष पहले हमारे आश्रम पर ही एक जमीनी विवाद को लेकर हत्या हो चुकी है कन्हैया दास जी की। उसी के लिए हम प्रार्थना पत्र लेकर एसएसपी साहब के पास आए थे, तो एसएसपी साहब नहीं मिले, राजेश तिवारी जी मिले। उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि आप जाइए सीओ अयोध्या से, आप मुलाकात करिए और आपका तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई होगी। क्या चाहते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो सुरक्षित वैसे रहे, वहाँ पर कोई कब्जा ना करने पाए और हमारी जान माल की सुरक्षा हो, किसी प्रकार का हमको भय न रहे। हमारा नाम तेजपाल दास और हमारे गुरु जी का नाम श्रीमान बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।